हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं फिर आपको मिल रही हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ। और आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के 11 बजे से। इससे पहले आज मैं हम क्या करें, आज हमने बनाना है साग, तो हम साग के कर रहे हैं कटिंग। अभी तो मैं अकेली लगी हूँ। इससे पहले हमने साग को अच्छे से खेत से लेके आए, फिर अब काटना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ साग, कितना ज़्यादा साग लेके आए हैं हम। ये थोड़ा सा मैंने काट भी दिया, अभी मेरी देवरानी नहीं आई है। और ये इतना ज़्यादा ये काटने को अभी बाकी बचा। चलो देखते हैं कब तक ये ख़त्म होता है, कब तक काट के हम फ्री होते हैं इसको। उसके बाद हम करेंगे दोपहर के खाने की तैयारी। इसको काटा, फिर अच्छे से इसको धुलना भी पड़ेगा ना, तो रात को हमने इसको बनाना भी है। तो पहले इसको काटेंगे अच्छी तरह से, फिर हम इसकी करें पहले काटेंगे। ओ, साग में घास भी आ गया, घास भी आ गया, दिख नहीं रहा होगा आपको एक धूप है। तो इसको साइड में करो। अभी इसमें इसमें बहुत ज़्यादा घास होगा, अभी इसमें से घास को हमने अच्छे से काट वो भी करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ये भी घास निकल गया, अभी फेंको इस। ये हमारा देश देसी शुद्ध साग, बहुत अच्छे देखो, जैसे ये सरों का वो है, सरसों का है ना ये पत्ता, कितना अच्छा है, कितनी अच्छी। ये हमने स्पेशल साग के लिए सरसों उगाई थी, मतलब इस वाली सरसों से साग बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। आ गए आप भी, और रियांश भी आ गए, नंगा नंगू 40 करके रियांश भी आ गए। रियांशु बैठ, में बैठ मेरी गुड़िया, गंदे बच्चे, पैंट डाल लो जल्दी, शेम शेम होगी रियांशु की, शेम 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 शेम। यार इसमें बहुत ज्यादा घास है अभी भी। और आ गया क्या, क्या निंदना क्या करना, और रियांश को लग गई। ओ मेरे गुड्डू को लग गई, ओ मेरे गुड्डू को लग गई, मेरे पुत को। मेरा पुत कहाँ है, कौन है गंदा, कौन है गंदा। अच्छा मखाने मिंज भी ले आंदी, मेरा दिल करा यार इसमें क्या ऑर्डर आया ये बता तू। और यार मैं बोल रही थी एक ऑर्डर और आ गए हमें, लहसुन की निंदाई करनी है तो यार इस, हाँ निंदाई करनी है, इसको काट के चलते हैं ना, पहले इसको फिनिश कर लेते हैं। यार पहले बोलते तो हम मुझे क्या पता था, मैं हमने सोचा तो नहीं करना था। हाँ हमने पहले लहसुन की निंदाई की, हमें क्या पता था पूरा करना, डैडी ने बोला कि पूरा करना है, तो हम फिर इसको काट के जाते हैं फ्री होके ना। तेरी कहाँ है चाकू, तेरे वाला ये। रियांश कहाँ चढ़ रहा है, रियांश की मस्ती फिर से स्टार्ट होगी। यार ये क्या लेके आ रहा है रियांश, आप क्या खा रहे हो बता दो सभी को, आप क्या खा ले हो, क्या खा ले मेरे गफ्फू। अखरोट नहीं है मुन्ना, ये इसको नहीं तोड़ते हैं। जा अखरोट ले आओ। रियांश ने पकड़े मखाना और इसको जैसे तोड़ रहा है, कैसे तोड़ रहे हो बेटा दिखाना भला, सभी फ्रेंड्स को दिखा दो आप क्या कर रहे हो। रियांश अकेला रह गया, सभी चले गए स्कूल, शुभ ध्रुव भी चले गए। क्या देखो गाइस हम ऐसे काटते हैं इसको, हम यार कितना फ्रेश लग रहा है, कितना कितना प्योर है ना। ताजा ताजा साग, साग ताजा ताजा, हमारे मेहनत का फल है ये, बच्चे उगाए हैं हमने। अब क्या क्या करूं मैं, कैसे इसको सेट करूं, इसको कैसे सेट करूं। सरसों का साग और मक्की की रोटी, ओहो कितना मजा। अच्छी यार मेरे को लस्सी पसंद नहीं, तेरे को पसंद है लस्सी साथ में, मेरे को घी डाल के, ओ यार घी डाल के तो ओ माय गॉड कितना टेस्टी बनता है यार। एक तो धूप है दिख नहीं रहा है अच्छे से। रियांश नमस्ते कर दो सभी को आके। रियांश अखरोट ले अंदर से, रियांश नहीं मानते हमारी बात, रियांश चला गया है मिट्टी में, है अंदर अखरोट, इसमें डाल दे कहीं ये मिट्टी, ऐसा मत बोलने तो ये डाल देगा सचमुच। यार वो एक पत्थर किसको उठाया इसने,
रियाज पत्थर मारने के लिए आ रहा है, उपड़े वो क्या कर रहा है ये। आज बहुत अच्छी धूप निकली है। विवान छूल गया है, बोल रहे विवान छूल गया है। यार आज बहुत अच्छी धूप निकली है ना, बेनिफिट बता मेरे को सरसों के साग के बता, जल्दी जल्दी के होते हैं, हेल्दी होता है, विटामिन मिलते हैं। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मैं तेरी टीचर हूँ, आज जल्दी बता। और हमने इसमें वैसे क्या क्या डाला हुआ है मैं हम आपको बता भी देते हैं। ये हमारे यहाँ सरसों का, ये सरसों है और ये हम इसके बहुत ज़्यादा वो ऐड करते हैं। ये है पालक, पालक के बाद ये है धनिया, ये धनिया है, ये धनिया है और यार मेथी कहाँ है, मेथी जैसे ये बता देती हूँ मैं, छोटा सा मिल गया मेरे को मेथी का भी। ये है मेथी, ये है मेथी और लास्ट में यार वो सौंफ, सौंफ का मिल गया छोटा सा आपको एग्जांपल बताने की। ये है सौंफ, अच्छा ज़्यादा मिल गया। हाँ ये सौंफ, तो हमने इसमें 5 इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं, सौंफ, पालक, सरसों, मेथी, धनिया। हाँ तो 5 हो गए, तू क्यों हंस रही है बता मुझे, 5 ही नहीं है पूरे, ऐसे थोड़ी भी सरसों उठाई और साग बन गया, ऐसे नहीं बनाते हम इसमें बहुत ज़्यादा मतलब जो हमारे और भी हमने मिक्स करना था, जैसे मूली के पत्ते भी इसमें ऐड कर सकते हो आप, हो तो अच्छे ताजे फ्रेश वाले। ये मूली का पत्ते रियांश बता रहा है आपको, ये क्या है, ए बेटा सरसों का पत्ता है, किसका पत्ता है, छुच्छों का, सरसों का पत्ता। रियांश भी समझदार हो गया हमारा बेटा। अब क्या क्या बनाएंगे रियांश इसका, हम साग बनाएंगे और साग कैसे खाते हैं हम, क्या डालते हैं बीच में साग में, खा जाएंगे, खा जाएंगे, फिर क्या डालेंगे बीच में, रियांशु क्या डालेंगे हम बीच में, कैसे खाते हैं बेटू साग, घी डाल के नहीं खाना, हाँ घी डाल के साग बना खाएंगे ठीक है। उसके बाद हम क्या जाएंगे, खेत जाएंगे, फिर से हमें एक ऑर्डर आ गया कि क्या करना है, लहसुन की दाई है ना, तो हम साग काट के। आज कौन आएगा बेटू, आज किसके पापा आएंगे, वैसे हमने ये साग, मेरे हस्बैंड आ रहे हैं आज तो उनका फेवरेट है साग, तो मैंने सोचा चलो आज साग ही बना लेते हैं। हाँ ताया जी का फेवरेट है ना, तो हमने साग बनाया आज उनकी मतलब स्पेशल उनके लिए, हमने तो वैसे 3-4 दिन पहले भी खाए थे बट वो आएंगे तो हमने सोचा चलो आज उनका उनकी पसंद का खाना बना देते हैं, साग, साग और मक्की की रोटी। वेरी गुड रियांश, मेरे को भैया कहाँ गया है विभान, मेरे को याद आ रही है विभान की, मैं रो रही हूँ। शॉली तू क्यों शॉली बोल रही हो आप, रियांश हमारा नटखट है, नटखट बच्चा है, बात उन्नी बच्चा है तू, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी बात, ओहो जय माता की, जय हो माता की, जय यार भी इतना ज्यादा साग टू टाइम के लिए तो बनेंगे ना। वैसे हम आपको बता रहे हैं कि हम जब भी साग बनाते हैं तो हम सोचते हैं कि 2-3 बार चल पर, बार बार यार क्या बनाना होता है ना, तो इतना इतनी क्वांटिटी में साग लेके आए कि 2 कम से कम 2 बार तो चले। हम साग की कटाई के बाद जाएंगे अपने खेत फिर से। हाँ ये हमारा रियांश, ये खेल रहा है सरसों के पत्तों के साथ। नहीं बेटा इसने पाले के लिए लिए हैं बेटा, मेरे बच्चे ने। ओ दे ओ रियाज ताई पास दो, सब्जी बनाएंगे इसकी। सब्जी बनाएंगे पुत्र। हाँ अच्छी अच्छी, आ जा मेरे पास तू गोदी में, मैं तेरे को एक चीज एक कहानी सुनाऊंगी। ए मेरा आपको सभी सुन रहे हैं तो रियाज, हाँ कि रियाज क्या बोलता है, कैसे बात करता है रियांशु, बात कर ऑफ थोड़ा सा, तो आप देख सकते हो हमने इतना ज्यादा साग काट भी लिया है और ये बचा है बिल्कुल थोड़ा सा, अब इसको बीच बीच में से अच्छे से ताड़ना भी पड़ेगा ना हमें यार, मैं पड़ेगा हाँ छाड़ना पड़ेगा यार, मैं तेरे टावल के ऊपर ही रख दिया था और नहीं मिला कुछ नहीं यार, मुझे यही मिला क्या कर दो दूंगी तेरे टावल को ठीक है ना, इसको बड़ा गुस्सा आ रहा है कि मेरे टावल के ऊपर कट कट
नहीं होगा गंदा यार। कोई बात नहीं, धो लेंगे। हाँ धो लेंगे इसको। मैंने कहा फेंकना तो फरीद गंदे के ऊपर थोड़ी अच्छे से होना। तो बात नहीं, फेंक दिया। हाँ यार फूल, ये किसने तोड़ा फूल पीछे वाला? ये वाला, वो वाला किसने तोड़ दिया? वो बेचारा मेरा फूल तोड़ दिया इसने। किसने तोड़ा? रियांश ने कि शुभ ने? विभान ने तो तोड़े। लो ये भी ले ले थोड़ी सी मेरे से। इतने अच्छे फूल खिले थे इसमें, फूल कहाँ से लेके आनी? घर में फूल नहीं चाहिए होते पूजा के लिए। रियांश को समझा लिएगा ठीक है ना? स्पीक लाउडली यार, खुद ही समझा लिया करो। मेरे सामने तो तोड़े उसने, तोड़े होंगे शुभ ने। चलो तो ठीक कर दे भाई सभी को तो अब, क्योंकि रात को डालना है तो साग, तो बाय कर देते हैं सभी को ना। बाय बाय एवरीवन। तो हमने काट लिया है साग। अब इसके बाद हम, मैंने बताया ना आपको कि हम जाएंगे अब लहसुन की निंदाई करने। रियांश पता नहीं कहाँ चला। हाँ रियांश को भी ढूंढने चलो, हम इसको पूरा करके जाते हैं ना। तो ठीक है गाइस, फिर हरी मिर्च भी मिल गई बीच में। हाँ हरी मिर्च उठा ले साइड में कर ले, इसको दो ही डालना, बाद में डालेंगे ज्यादा। कबलियां नहीं पाई देनी है मिर्च लगनी। हाँ तो बनता टेस्टी है पर। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम मिलते हैं आपके साथ फिर एक किसी और नए ब्लॉग के साथ। आज की ब्लॉग की हम एंडिंग कर रहे हैं अभी से। ठीक है गाइस, बाय बाय कर दे। बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। बाय, थैंक यू। और प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखना, तभी आपको समझ आएगा, क्योंकि शुरू से देखेंगे तभी समझ आता है कि एंड तक क्या हुआ क्या बोला। तो प्लीज़ बाय बाय। यार मेरा उल्टा हाथ आ रहा है। बाय बाय।